ध्यान एवं अध्यात्म की जागृति ज्योति हैं डॉक्टर अर्चिका दीदी। योग प्रणेता भगवान शिव आपके इष्ट हैं। भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा से ही आपके मन में कैलाश यात्रा की आकांक्षा जगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस यात्रा में सबसे पहले भारत का दिल दिल्ली से यात्रा का श्री गणेश करते हैं। यहां स्वयं को रुद्राभिषेक द्वारा अपवित्र से पवित्र करते हैं। यात्रा पर प्रस्थान से पहले डॉक्टर अर्चिका दीदी ने अपने गुरुवर परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में सफल एवं सुरक्षित यात्रा के लिए यज्ञ संपन्न किया। साथ ही गुरुवर के आशीर्वचन से मार्गदर्शन पाया। दिल्ली के प्रदूषित वातावरण से मन मानसरोवर कैलाश की ओर बिना पंख लगाए हवा से भी तेज गति से सदैव अंतरिक्ष मार्ग द्वारा पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचता है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव जी का प्राचीन भव्य मंदिर है, जो कि अपने आप में मानव को योगिक जीवन जीने का संदेश देती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का मतलब साकार से निराकार की ओर गमन है। इस अभिनव अनुष्ठान की अधिष्ठात्री डॉक्टर अर्चिका दीदी ने यहां कई दृश्य और अदृश्य शक्तियों का अवलोकन अपने अनुभव से करा। अभिनव आनंदमयी यात्रियों की ग्रुप का गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी हैं। ऐसा कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन डॉक्टर अर्चिका दीदी कहती हैं कि गुरु एक व्यक्ति होने के साथ साथ एक तत्व है। के वास्तविक स्वरूप को इन भौतिक आंखों से समझ पाना संभव नहीं है। इन्हें समझने के लिए श्रद्धा और विश्वास की परम आवश्यकता है।
शानदार रहा और कम्फर्टेबल रहा। पूरी सहूलियत इन्हें हमारे साथ मिलती रही, साथ में बाकी जितने भी मेम्बर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम हमारा ख्याल रखा। मुझे लगता है कि ये यात्रा हमारी पूरी सफल होगी, जो अब तक सफल है तो आगे भी सफल होगी। जहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में भी दिक्कत आती है, वहाँ आस और विश्वास का अमृत अपने आप आकर आनंदित कर रहा है। बहुत अच्छा, आनंद में परम आनंद। कई बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुकी डॉक्टर अर्चिका दीदी के निर्देशन में बना ये वृत्तचित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्मिक, पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं भौगोलिक और सांस्कृतिक दृश्यों का दिग्दर्शन करवाता है। डॉक्टर रचिका दीदी समय समय पर ऐसे संकल्प लेती रही जो विश्व कल्याण में हो। कैलाश पर 21 जून इंटरनेशनल योगा डे का मनाया जाना ऐसा ही एक संकेत है, मौन संदेश है, विश्व कल्याण में, विश्व हित में। कैलाश मानसरोवर के पास जो ध्यान, योग, जप और तप एवं आरती कर रहा हो उन्हें कितनी सफलता मिलेगी उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। का राक्षस ताल हो या गौरीकुंड, सबकी अपनी यौगिक विशेषताएं हैं। मृत्यु के देवता यमराज का यमद्वार भी यही है, जो दिखने में भले ही एकांत और सामान्य लगते हैं लेकिन इनके बारे में जितना कहा जाए कम ही होगा। पास में बादलों के ऊपर नंदी पर सवार शिव परिवार किसी को दर्शन दे रहे होते हैं तो कहीं शिव का अद्भुत रूप कैलाश की अद्भुत प्राकृतिक छटा में दिखाई पड़ता है। इन अलौकिक दृश्यों का सिर्फ एहसास किया जा सकता है। अर्चिका दीदी के सानिध्य में यदि आप कैलाश मानसरोवर की आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या अपने क्षेत्र में दीदी के प्रवचन का आयोजन करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657